हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन मकान डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ एक 3 BHK फ्लैट जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। बहुत ही अच्छी टाउनशिप है, काफ़ी अच्छी जेंट्री रहती है, लोगों की डिमांड रहती है और यहाँ पर जो फ्लैट्स वगैरह हैं, प्लॉट्स वगैरह हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो अभी हमारे पास में एक यूनिट आई हुई है जो कि 3 BHK का बिल्डर फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर का है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जो भी परचेज़ करना चाहे तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सके। और नंबर वगैरह सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, प्राइसिंग वगैरह मैं आपको लास्ट में दे दूँगा। तो आगे चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो फ्लैट अपना है 3 BHK वो ईस्ट पार्क टाउनशिप में अवेलेबल है, ग्राउंड फ्लोर पे है, जिसका सुपर बिल्डअप एरिया लगभग 1500 स्क्वायर फीट है, जिसमें कि बिल्डअप आपको मिल रहा है 1050 स्क्वायर फीट। और ग्राउंड फ्लोर का है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, सेमी फर्निश्ड है, उसमें कुछ इंटीरियर पार्ट है, कुछ वुडन वर्क है, वो सारा कुछ किया हुआ है। तो वो सारा कुछ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए, ये गार्डन फेसिंग जो फ्लैट है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गार्डन आपको सामने ही दिख रहा है, ये पूरा गार्डन व्यू है। और इस तरफ आप देखेंगे तो ये पूरा बिल्डिंग का व्यू आता है। इस तरीके से ये अपार्टमेंट बने हुए हैं, जो फ्लैट्स हैं ये आप देख सकते हैं, पूरे G+2 में इसको बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छे हैं। तो भाई ये मैं अंदर आपको ले चलता हूँ और व्यू कराता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक MS का ग्रिड दिया हुआ है और काफ़ी बड़ा ये पूरा अपना पोर्च एरिया है, जिसमें कि आप लंबी एक सेडान कार या बड़ी कार आप रखना चाहो तो रख सकते हैं, दूसरी कार आप आउटसाइड भी रख सकते हैं। और सबकी यहाँ पर डेडिकेटेड पार्किंग दी हुई है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है। और स्टार्टिंग में यहाँ पर शूरेक दिया हुआ है और एक सेफ्टी डोर भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि पूरा सागौन में बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। ये आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा ओपन, मैं एक बार आपको स्टार्टिंग में ये दिखा देता हूँ फिर अंदर ले चलता हूँ। तो ये पूरा ओपन एरिया जो है वो फ्लैट के साथ में आपको मिलने वाला है। ये पानी की मोटर लगी हुई है, पानी 24/7 अवेलेबल है, ये पाइप गैस PNG यहाँ पर अवेलेबल है। और ये एक इसकी सेकेंड एंट्री है मेट्स वगैरह के लिए जो किचन में जाती है, तो ये सेकेंड एंट्री भी अवेलेबल है। और एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर एक आर्टिफिशियल फाउंटेन भी बना हुआ है। तो ये दोस्तों आर्टिफिशियल फाउंटेन बना हुआ है, अच्छा है, तो इसको भी चालू कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं। और ये इसका देखिए AC का अपना आउटडोर यहाँ पर लगा हुआ है और पूरी लाइन वाइन पड़ी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी AC लगाने में। AC तो आपको फ्लैट के साथ नहीं मिलेगा, ये फ्लैट से AC तो निकाल लेंगे, बट ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लाइन वगैरह पूरी पड़ी हुई है। तो ये ऐसे L-शेप में पूरा ओपन है, पूरा वेंटिलेटेड, और पीछे आप देख सकते हैं सेफ्टी के पर्पज से पूरा ग्रिल यहाँ पर लगाया हुआ है। और अच्छा है तो इसमें PVC की सीट वगैरह भी लगा सकते हैं, और पीछे वायर फेंसिंग भी आप देख सकते हैं सेफ्टी पर्पज से बिल्कुल एकदम परफेक्ट किया हुआ है। अब अंदर चलते हैं और आपको अंदर का व्यू कराते हैं। तो ये अपना ड्राइंग रूम है, इसमें ये पूरी फॉल सीलिंग करी हुई है आप देख सकते हैं, और वॉल पे भी आप देख सकते हैं बढ़िया टेक्सचर किया हुआ है इसके ऊपर। और ये सामने एक ये TV पैनल आपका बना हुआ है, वर्किंग कंडीशन में है, तो लीनियर में इसको बनाया हुआ है, हमारे द्वारा ही इसको कुछ टाइम पहले बनाया गया था। फिर ये अपना डाइनिंग एरिया आ जाता है, डाइनिंग एरिया में भी आप देख सकते हैं ये फ्रिज के लिए प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है, डाइनिंग आप प्रॉपर रख सकते हैं, ऊपर में आप फॉल सीलिंग यहाँ पर भी पूरी बनी हुई है, और सामने एक शानदार सी क्रॉकरी यूनिट भी बनी हुई है। ओपन किचन कॉन्सेप्ट में किचन भी पूरा प्रॉपर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन, तो किचन भी प्रॉपर मेंटेन है। और किचन के साथ में भी कुछ क्रॉकरी रखने के लिए स्पेस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस साइड में भी आप ऊपर में भी कुछ बढ़िया स्टोरेज रख सकते हैं। और इधर आपका कटलरी वगैरह ये सारी जो है वर्किंग कंडीशन में है, तो ये भी सारा कुछ प्रॉपर मेंटेन है। और ये पूरे लॉफ्ट तक
बने हुए हैं, तो स्टोरेज बहुत अच्छा आपको मिल जाता है। चिमनी भी अपनी ये लगी हुई है, और सेकेंड जो एंट्री मैं आपको बता रहा था, इधर भी बढ़िया एक सेफ्टी डोर सागवान का लगा हुआ है। अगर बाहर वाला गेट खोल देंगे तो बढ़िया फ्रेश एयर आपको प्रॉपर मिलेगी। अब फर्स्ट मैं आपको गेस्ट बेडरूम दिखा देता हूँ। गेस्ट बेडरूम में भी पूरा कंप्लीट फॉल सीलिंग है, यहाँ पर मंदिर रखा हुआ है ये तो। और इस साइड में देखेंगे तो आपको वार्डरोब और ड्रेसिंग मिल जाएगी। तो ये प्रॉपर वार्डरोब लॉफ्ट के साथ में फुल हाइट बनी हुई है, और साइड में ये अपने ड्रेसिंग टेबल बनी हुई है। और ये फर्नीचर भी अभी लगभग 1 साल पुराना है, हमने इसको बनाया था तो पूरा मेंटेन है और अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। स्विच बोर्ड वगैरह भी सारे मॉड्यूलर लगे हुए हैं जीएम के, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में ये डीपी स्विच ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर एसी वगैरह आप लगाते हैं तो 4 mm की वायरिंग वगैरह प्रॉपर मेंटेन है। सेकेंड ये कॉमन एक वॉशरूम मिल जाता है आपको, तो ये आप देख सकते हैं पूरी प्रीमियम फिटिंग्स लगी हुई है। यहाँ पर जैगवार का सारा यूज करा हुआ है, जैगवार और हिंदवेयर, ये आप देख सकते हैं। बाथरूम एसेसरीज भी प्रॉपर, टॉवल रोड वगैरह ये सारा कुछ मेंटेन है। ये अपना एक दूसरा बेडरूम है, तो इसमें ये आपको पीछे जो गली आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ जाने का ये यूटिलिटी एरिया है। यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं, और फुली वेंटिलेटेड है ये फ्लैट। और ये इसका वॉशरूम है अटैच, इस रूम में भी कंप्लीट फॉल सीलिंग करी हुई है, तो फॉल सीलिंग आपको पूरे घर में करी हुई है। और वार्डरोब भी आप देख सकते हैं, ये स्लाइडिंग वार्डरोब बनी हुई है, और इसके साथ में ये ड्रेसिंग बनी हुई है। ये प्रॉपर लाइट्स वगैरह भी है, और इसके बैक साइड में भी पूरा स्टोरेज है। थर्ड रूम हमारा इस तरफ आ जाता है, तो थर्ड रूम जो है अटैच वॉशरूम के साथ में है, बट तीसरा रूम जो है वो लॉक है। बेसिकली उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है, तो थर्ड रूम आपको नहीं दिखा सकते हैं। बाकी एक 12x13 का बेडरूम है, और उसके अंदर भी आपको वार्डरोब वगैरह प्रॉपर पूरा बना हुआ है। टीवी यूनिट बनी हुई है अटैच वॉशरूम के साथ में है, तो ये पूरा अपना 3 BHK फ्लैट है। दोस्तों बताना चाहूँगा, इसकी जो डिमांड है वो 90 लाख रुपीज़ की इसकी डिमांड है, 2 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। और बाकी जैसे पेमेंट शेड्यूल रहेगा, जो भी पेमेंट कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।